एक किताब जो कि लिखी गई थी एरिक वॉन डेनिकन द्वारा, जिसने पुरानी सभी मान्यताओं को झंझोड़ कर रख दिया और इस किताब ने दुनिया की उन रहस्यमय चीजों पर से पर्दा उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इन्होंने इस बुक में लिखा कि एलियंस पृथ्वी पर आए थे और इसके सबूत हमें प्राचीन काल की धार्मिक ग्रंथों, मूर्तियों, नकाशियों से जड़ी इमारतों में मिल सकते हैं। होमो सेपियंस का इतिहास करीब 2.5 लाख साल पुराना है, लेकिन पिछले 50,000 सालों में ही हमें इतने जबरदस्त बदलाव आए कि हम गुफाओं से निकल करके आसमान में उड़ने वाली सभ्यताओं में तब्दील हो गए हैं। पिरामिड इस पृथ्वी पे मौजूद सबसे रहस्यमय और सबसे विशाल भव्य चीजों में से एक हैं, इनके बारे में कोई पूरी तरीके से नहीं जानता। जितनी बड़ी इनकी मिस्ट्री है, उतनी ही बड़ी एक और मिस्ट्री है कि आखिर इन्हें बनाया किसने। आर्कियोलॉजी के हिसाब से इसे एक क्यूरोक्स नाम के फैरो ने बनवाया था, लेकिन पूरे पिरामिड में कहीं भी क्यूरोक्स का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि इस बात को एक मिस्टीरियस बात बनाती है। पुमा पुंकु उन जगहों में से है जहां लोगों का विश्वास है कि हाँ, यहाँ एलियंस प्राचीन काल में पृथ्वी पे आए थे, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्हें हम आईमारा के नाम से जानते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि इसे किसने बनाया, तो वो आसमान की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं लॉस डियोसेस, यानी देवताओं ने। तो क्या सच में इन सभी चीजों से हमें ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो कि ये बता सकें कि एलियंस प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए थे और उनका हमारे पूर्वजों से मिलन हुआ था। इस वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, इस वीडियो को किसी भी धर्म और रिलीजन से जोड़कर मत देखना, ओके? तभी आप इन सभी बातों को समझ पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ, उसे समझने के लिए आपको रिलीजन्स, गॉड, साइंस, इन सब के बियॉन्ड जाके समझने की कोशिश करनी होगी, तभी आप इस वीडियो में बताई गई चीजों को अच्छे से समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे। तो अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री कर लो और तैयार हो जाओ साइंस के बियॉन्ड की दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका इतिहास को देखने और समझने का नजरिया ही बदल जाएगा। आज पृथ्वी पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि एलियंस प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए थे, और एंशियंट एलियन रिसर्चर्स का भी यही मानना है। इसके पीछे का कारण है पृथ्वी पे मौजूद रहस्यमय और हैरान कर देने वाली चीजें, जो कि हमारे एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं। 20 जुलाई सन 1969 ये वो दिन था जब इंसान पहली बार तारों की सैर पर निकला था और चांद पर अपने पैरों को रखा था। आज लोग बहुत एक्साइटेड थे और लोगों की सोच बदल गई थी। अब लोग समझने लगे थे कि अब हम इस अंतरिक्ष की सैर पर जा सकते हैं, और बहुत से लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड थे कि क्या चांद पर हमें कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जो कि एलियंस और इंसानों के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ बता सकें। और इसी साल एक बुक आई थी जिसका नेम था चैरियट्स ऑफ द गॉड, जो कि लिखी गई थी एरिक वॉन डेनिकन द्वारा। उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा कि एलियंस प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने ही हमारे भविष्य को सवारा था। उन्होंने अपने बुक के माध्यम से सिर्फ यही इशारा किया कि अगर हम ध्यान से देखें तो एलियंस के आने के पुख्ता सबूत हमें प्राचीन काल की धार्मिक ग्रंथों, लेखों, मूर्तियों और नकाशियों से जड़ी इमारतों में मिल सकती हैं। उनकी इस किताब के बाजार में आते ही लोगों में खलबली मच गई थी। इस किताब ने पुरानी सभी मान्यताओं को झिंझोड़ कर रख दिया था, और उन्होंने अपनी इस किताब में जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ एक गहरे रिसर्च के बाद ही लिखा गया था। एक बहुत गहरी रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी इस किताब को लिखा था, और ये रिसर्च इन्हें दुनिया के हर कोने तक ले गई थी। उन्होंने अपने रिसर्च की शुरुआत की एक बुक से जिसका नेम था द बुक ऑफ इनोक, जिसे बाइबल से बाहर कर दिया गया था। और आज भी लोगों का मानना है कि द बुक ऑफ इनोक एक बहुत ही विचित्र बुक है। इस बुक में कहा गया है कि भगवान ने इनोक को एक अग्नि रथ पे बैठा करके पृथ्वी से बाहर निकाल दिया था, और वह एरिक ऐसा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि वो कोई अग्नि रथ नहीं बल्कि एक फ्लाइंग व्हीकल्स था।
इस किताब ने मानो इनकी सोच को ही बदल दिया था, दिमागी सोच को ही बदल कर रख दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान बिबिकियल प्रॉफेट इजिकियल की कहानी पर लगाया। इनोक की तरह ही इजिकियल को भी भगवान ने रथ पे बैठा करके पृथ्वी से उठा लिया था। इन्होंने इस रथ को देखा और कहा कि इस किस रथ की बात की जा रही है, ये कोई रथ नहीं बल्कि एक फ्लाइंग व्हीकल्स है। और यहाँ पे एक आवाज का वर्णन किया गया है, इजिकियल की कहानी में एक आवाज की बात कही गई है जो कि झरने के बेतहाशा शोर जैसी सुनाई देती है। ये शोर कुछ वैसा ही है जैसा रॉकेट लॉन्च होते वक्त हमें सुनाई देता है। एरिक ने कभी भी भगवान की मौजूदगी पर प्रश्न नहीं लगाया, बस वो हर एक चीज को एक अलग नजरिए से देखते थे। अब उनके साथ बहुत से लोग जुड़ चुके थे जो अब मानने लगे थे कि हमें इन सभी चीजों की रिसर्च के बाद ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो एलियंस और इंसानों के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ बता सकें, और वो इन्हीं चीजों की खोज कर रहे थे। इसी चीज की पता लगाने के लिए उन्हें अपनी रिसर्च को जारी रखना पड़ा और वो आ गए इजिप्ट, जहाँ पे मौजूद हैं मानव निर्मित सबसे बड़े रहस्य यानी गीजा के पिरामिड उत्तर पूर्वी मिस्र। साल 1954, महज 19 साल की उम्र में ही वॉन डेनिकन इजिप्ट जा पहुंचे और उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इजिप्शियन पिरामिड्स को इतनी करीब से अनुभव किया था। असलियत में तो वो कभी ये नहीं मानते थे कि इजिप्शियन पिरामिड को इंसानों ने बनाया था। उनका मानना था कि इसे काफी प्लानिंग के साथ बनाया गया है, बट आर्कियोलॉजी के हिसाब से इसे एक क्यूरॉक्स नाम के फैरो ने बनवाया था। तब उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि आखिर ये क्यूरॉक्स नेम आया कहाँ से, क्योंकि पूरे पिरामिड में कहीं भी क्यूरॉक्स का जिक्र नहीं किया गया है। अगर कोई भी इतनी बड़ी इमारत बनवाएगा तो वो अपना नेम जरूर बताएगा, अभी वो शोर कर करके बताएगा कि हाँ इसे मैंने खुद बनवाया। आप ही सोचो, हम एक छोटा सा घर बनवाते हैं या कोई अलग स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो हम सबको बताते हैं कि हाँ ये मैंने बनवाया, लेकिन इस पिरामिड के रचयिता का नाम तो आज भी कोई नहीं जानता, तो आखिर ये क्यूरॉक्स नेम आया कहाँ से। इस बात में तो सच्चाई थी, मिस्र के पिरामिड इस ग्रह के मौजूद सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए काम करते हैं लैंडिंग मास, पावर स्टैंडिंग, प्लैनेट स्टेबलाइजेशन की तौर पे, और एनर्जी वेव को पैदा करते हैं। एरिक ने ये नहीं कहा था कि इसे एलियंस ने बनवाया था, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एंशियंट इजिप्शियन को इसे बनाने का पर्याप्त ज्ञान किसी और ने दिया था। और इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ के पिरामिड सिर्फ विशाल ही नहीं बल्कि बहुत सटीक तरीके से बनाए गए हैं। हालांकि प्राचीन इजिप्शियन लेखों में हमें ये बताया गया है कि इजिप्ट के पिरामिड्स को इजिप्शियन लोगों ने ही बनाया था, लेकिन उसमें एक बात और कही गई है कि इसे बनाने में देवताओं ने उनकी मदद की थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि प्राचीन इजिप्शियन को इसे बनाने का ज्ञान किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने दिया था, और क्या इसके सबूत हमें कहीं और मिल सकते हैं? साल 1971, जगह पूर्वी भारत, कोलकाता। यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज है जहाँ एरिक की मुलाकात हुई प्रोफेसर दीप कंजल से, और मिलने की वजह से संस्कृत भाषा का ज्ञान जिसका इस्तेमाल पूरे भारतीय वेदों में किया गया है, और उन वेदों में जगह जगह पे फ्लाइंग व्हीकल्स की बात कही गई है। हिंदू वेदों के हिसाब से हमारे हिंदू देवता फ्लाइंग व्हीकल्स में बैठ करके धरती पर आते थे और उन्हें वो विमान कहते थे, और इसमें विमान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, जैसे वो कैसे दिखते थे, कैसे काम करते थे और उन्हें चलाने के लिए क्या क्या जरूरी था। ये सब कुछ हिंदू वेदों में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब एरिक को ये लगने लगा था कि वो विमान असल में नट बोल्ट की बनी हुई मशीनें थी। जब एरिक इंडिया आए थे तब उन्होंने कहा था कि जब मैं इंडिया गया तो मुझे लगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरी के लिए इंडिया किसी छुपे हुए खजाने से कम नहीं है। पूरे भारत में हमें बेमिसाल टेंपल टावर्स देखने को मिलते हैं। और क्या आप कभी ध्यान दिए हो कि भारत के जितने भी टेंपल्स हैं, इन सब का डिजाइन हूबहू हमारे उन देवताओं के विमानों जैसा मेल खाता है जिन्हें हम अपने वेदों में देखते आए हैं। एरिक उन गिने चुने लोगों में से थे जो भारत की प्राचीन ग्रंथों को स्टडी किए थे, हालांकि ये हजारों साल पुराने हैं। और अगर सबसे प्राचीन मौजूदा रिकॉर्ड की बात की जाए
तो वो भारत के ग्रंथ ही हैं, जिसमें साफ साफ तौर पे आसमानी लड़ाइयों के बारे में बताया गया है। और इसे साफ साफ हमें लगता है कि हम अब भी अपने प्राचीन ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, या फिर हम फिर से उसी टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो आज से हजारों साल पहले लुप्त हो गई थी। और फ्लाइंग व्हीकल्स की बात सिर्फ हिंदू वेदों में ही नहीं की गई है, बल्कि हम जितने वेदों को जानते हैं उनमें से ज्यादातर में फ्लाइंग व्हीकल्स की बात कही गई है। और इन सबको एक साथ लाए एरिक, और देखा जाए तो ये कोई कोन इंसिडेंट नहीं हो सकता है। तो क्या वो एलियंस ही थे जो कि ह्यूमंस को बुद्धिमता का तोहफा दिए थे? होमोसेपियंस का इतिहास लगभग 2.5 लाख साल पुराना है, लेकिन पिछले 50,000 सालों में ही हमने इतनी जबरदस्त तरक्की की और हमें इतने ज्यादा बदलाव आए कि हम गुफा से निकल के आसमान में उड़ने वाली सभ्यता में तब्दील हो गए और अब हम इस ब्रह्मांड की सैर पर भी जा सकते हैं। हालांकि साइंस ने कभी भी इतिहास को समझने से हार नहीं माना है, लेकिन पिछले 150 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी साइंस इसे समझने के आसपास भी नहीं पहुंचा है। शायद इस रहस्य का जवाब हमें अपने देवताओं की छोड़ी गई प्राचीन ग्रंथों से ही मिल सकता है। हम इस प्लेनेट के हर एक दूसरे जीव से बिल्कुल अलग हैं। हम अलग हैं क्योंकि हमें बनाया गया है। बोलिविया, दक्षिण अमेरिका, यहाँ खामोशी की चादर ओढ़े खड़े हैं पुमा पुंकू के खंडर, एक प्राचीन शहर जिसका नेम था तंबाकू। यहाँ मौजूद है रहस्यमय कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म, माना जाता है इनका निर्माण आज से 2000 साल पहले किया गया था और एरिक की रिसर्च उन्हें यहाँ तक लेते आई सिर्फ इस बात के सबूत को जुटाने के लिए जिससे ये साबित हो सके कि एलियंस प्राचीन काल में पृथ्वी पर आए थे। और उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें देखने में ऐसा लगा जैसे वो किसी और ग्रह पर आ गए हों। और यहाँ आपको सिर्फ लार्ज बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल प्लेटफॉर्म देखने को ही मिलते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी लार्ज लेजर मशीन से काट करके पिघला करके बनाया गया हो, जैसे इन्हें पहले बना दिया गया हो और इस तरीके से बनाया गया हो कि बाद में जा करके ये अच्छी तरीके से फिट हो जाएं। और ये एक हाईटेक किस्म का कंस्ट्रक्शन लगता है जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और याद रखना, हम बात कर रहे हैं आज से 2000 साल पहले की, और जब पृथ्वी पे मौजूद सबसे बेस्ट पत्थर की नकाशियों वालों से इन पत्थरों को दिखाया गया तो वो लोग कहे कि इन्हें बनाना एक नामुमकिन सा काम है। और ये 2000 साल पहले कैसे बने होंगे कोई सोच भी सकता है? और आज भी इन्हें क्यों बनाया गया, ये आज भी एक अनडिस्कवर्ड चीज है। और जो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्हें हम आईमारा के नाम से जानते हैं, वो लोग कहते हैं कि पुमा पुंकू के निर्माण से उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर इसका निर्माण किसने किया तो वो आसमान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं लॉस डियोसेस यानी देवता। और इनका कहना है कि इन्हें देवताओं ने एक रात में बनाया था। और एरिक कहते हैं कि हाँ ये संभव, आखिर हम बात कर रहे हैं एलियंस कारीगरों की जो उनके पास बहुत हाईटेक मशीनें होंगी और उन्हें बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। और आज भी हम इसे बनाते हैं जिसे हम अपनी भाषा में बेस कैंप के नाम से जानते हैं। और इस जगह को देख करके इन सभी बातों से नकारा भी नहीं जा सकता है। तो क्या सच में पुमा पुंकू प्राचीन काल में एलियंस का बेस था? और क्या सच में इसे एडवांस बिल्डिंग मेथड से बनाया गया था? वॉन डेनिकन इस बात का जवाब देते हैं हाँ। चितनित्सा, मैक्सिको, यहाँ यूटेन पेनिसुला में मौजूद है प्राचीन मयान शहर के खंडर जो कि 750 से 1200 ईस्वी तक बहुत अच्छे से फला फूला था। यहाँ सन 1969 में वॉन डेनिकन को शहर के बीचों बीच मौजूद एक पिरामिड जिसका नेम है एल कैस्टियो, उससे जुड़े कुछ रहस्यमय और रोचक तथ्य जानने को मिले। यहाँ भी वॉन डेनिकन ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया और फिर से नतीजा वही आया, यहाँ भी आसमानी देवताओं की बात कही गई थी। प्राचीन मयान कहानियों के अनुसार यहाँ के मुख्य देवता का नेम था कुकू माना। ये सब बहुत अलग अलग देवताओं के नेम थे लेकिन वो असल में एक ही थे, जैसे कि फ्लाइंग स्नेक। असलियत में तो वो जो चीज आसमान में देखे थे उसी चीज को फ्लाइंग स्नेक का नेम दे दिए थे अपने हिसाब से। यहाँ एक खास पिरामिड है जिसे एल कैस्टियो या कैसल के नाम से जाना जाता है, जहाँ साल के दो दिन एक दिलचस्प लाइट शो देखने को मिलता है। 21 मार्च और 21 सितंबर के दिन
सुबह को जब सूरज इस पिरामिड के ऊपर चढ़ता है तब यहाँ सीढ़ियों पर उतरते हुए ट्रायंगल दिखाई देते हैं जो कि यहाँ के 9 प्लेटफॉर्म के कारण बनते हैं। जब तक सूरज ऊपर रहता है तब तक लाइट शैडो से धीरे धीरे नीचे आती रहती है और इस पिरामिड को देखकर लगता है कि यहाँ की कहानियों में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिन आसमानी देवताओं की बात कही गई है, वो सच में पृथ्वी पर आए थे और वो एक बार वापस आने का वादा करके चले गए और पीछे छोड़ गए अपने ये महान भव्य पिरामिड जो कि आज भी हमें हैरान करते आते हैं। आज पृथ्वी पे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें हैरान करती हैं और वो प्राचीन काल में एलियंस और इंसानों के बीच के रिश्ते के बारे में भी बताती हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सभी के स्टडी के बाद हमें बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं जो कि साफ साफ एलियंस के प्राचीन काल में पृथ्वी पे आने के बारे में संकेत करती हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में बताना। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो साफ साफ कहूंगा कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और अगर हम कहीं जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और अगर पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो और ए टू जेड फैक्ट की और भी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस का मजा लो और ऊपर आई बटन भी चेक कर लेना, उधर भी गजब गजब की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और अगर वीडियो पसंद आया और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, इससे हमको खुशी मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।